हज के हवाले से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो शख्स भी ख्वाहिशमंद है वह इस बार अल्लाह के घर की ज़ियारत करे। साल 2024 में वो मक्का और मदीना जाने का शौकीन है और उन सब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है और तारीख भी आ गई है। 20 दिसंबर जो है वो आखिरी डेट रहेगी। कल से ही ये खोल दी गई है लाइनें कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। जो लोग भी बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, उनके लिए कल से ही यानी 4 दिसंबर से लेकर के अब 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने फॉर्म। इसके लिए हज सुविधा की एक ऐप भी तैयार की गई है जहां आपको पूरी जानकारी जो है वो इस चीज़ की मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको मज़ीद जानकारी चाहिए कि क्या क्या हज के लिए हमको और क्या क्या करना है, इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। जो हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in, उस पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं, चाहे हज करने जाना हो या उमरा करने जाना हो, उससे पहले लोगों को बहुत सारी तैयारियां जो हैं वो करनी पड़ती हैं। जो लोग भी मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं, गुंबद-ए-खिज़रा को देखना चाहते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये एक अहम जानकारी थी कि कल से ही लाइन्स खोल दी गई है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। और उसके अलावा क्या कुछ मज़ीद जानकारियाँ इस हवाले से आएंगी वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो साल 2024 में हज पर जाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। और उसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है और आपने अप्लाई किया हुआ है या आपके पास बना है लेकिन उसकी डेट भी जो है वो कम से कम जनवरी 2025 तक होनी चाहिए, अगर वो है तो ही आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपके लिए ये मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। आप जो हमने जो सपना देखा होगा हज के लिए, आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वैसे अगर आपको मज़ीद जानकारी भी चाहिए तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से और भी अलग अलग टाइम पे जो है हिदायत जारी की जाती है, आप ज़रूर उनको भी पढ़ेगा। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विज़िट आप ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ पर इनकी ताज़ा जानकारी होती है, कब किस तरह निकलना है, कब जाना है, क्या कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी।